सब कोई साधारण लड़की नहीं, ये कोई साधारण लड़की नहीं। कहते वहाँ पर कहते ये सब के सब कुछ को गोपियाँ तो जो नित्य सिद्ध है और कुछ गोपियाँ साधन सिद्ध है, कुछ गोपियाँ नित्य सिद्ध, कहते कुछ गोपियाँ साधन सिद्ध। इसलिए कहते नित्य सिद्ध कौन कौन है, कहते उनका जो ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी रूप मंजरी रति मंजरी लवंग मंजरी अनंग मंजरी, कहते ये सब के सब सब नित्य सिद्ध है, सबके सब नित्य सिद्ध है। लेकिन उनका प्रमाण मिलता है, जैसे ब्रह्मा कहते हैं बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया भी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये गोपियाँ कौन है, बोले आनंद चिन्मय रस की एक मूर्ति, मतलब राधा रानी, इसलिए उनका नाम ही राधा है। राधा मतलब है जो कृष्ण को विशेष करके आराधना करते हैं, मतलब जिनके सारे चेष्टा ही उनकी सारे चेष्टा केवल कृष्ण सेवा की और कोई उनकी चेष्टा की कोई भावना ही नहीं। जिनकी काय मन वाक्य पूरा ही कृष्ण सेवा और कुछ जानती नहीं, इसलिए वो देखती है अकेली कृष्ण से बात हम कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे प्रेरदार उपनिषद में बताए जब गोलोक वृंदावन में कृष्ण कभी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े थे, अभी उन्होंने देखा हम अकेले अकेले कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने फिर उनको रास लीला से कृष्ण का बाम अंग से एक सुंदर दिव्य स्वरूप को लेकर एक सुंदर लड़की प्रकट हुई, रास से प्रकट हुई। इसलिए उनका पहला अक्षर हो गया रा। अब प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके फूलों को चयन करके कृष्ण सेवा के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया राधा। दौड़ी मतलब होता है धावित होना, संस्कृत में धावित है, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा और था। एक से अभी दो हो गए, दो हो गए तो अभी राधा रानी देख रही हैं मैं कृष्ण की सेवा कितना करूं, अकेले कितना सेवा। इसलिए राधा रानी क्या करती हैं और एक एक भाव को राधा रानी एक 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 भाव को एक एक रूप प्रदान करती है। कहते वो रूप कौन है, कहते ललिता विशाखा आदि स्वरूप। इसलिए ये सब के सब कौन है, बल ये नित्य सिद्ध शक्ति हमारी जो मंत्र में बोलते है ना क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, उसमें कहते गोपीजन वल्लभ, कहते हम कौन सा भाव चाहते हैं, गोपियों ने जैसे कृष्ण को आराधना की है, इसलिए गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। वेद मंत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग बात मिलती है, इसलिए कहते कुछ तो उनका नित्य सिद्ध सखियां है और कुछ साधन सिद्ध। कहते साधन सिद्धा कौन है, जिस समय भगवान राम वो दंडकारण्य में पहुंचे वहां पर ऋषि मुनि लोग गोपाल मंत्र की उपासना करते थे, लेकिन उनकी उपासना तो कर रहे थे लेकिन मन में उत्साह नहीं आ रहा था। जैसे कर रहे हैं चल रही है चल रही है ऐसे गाड़ी चल रही है, कोई उत्साह नहीं आता था। लेकिन जब वहाँ भगवान राम आए और राम और श्याम वो एक ही है, अभी उन्होंने राम रूप देख करके उनको कृष्ण की याद आई, कृष्ण को याद आए तो उन्होंने राम को उन्होंने अपना पति रूप में प्रार्थना की, तब भगवान राम ने उनका आशीर्वाद दंडकारण्य के ऋषि कब तो उन्होंने को आशीर्वाद दिए और राम का आशीर्वाद से ही इनको जो मंत्र में हैं जो मंत्र कर रहे थे उसमें मंत्र विशेष उत्साह आए, उत्साह आए तो राम की कृपा से ही उन्होंने पुनः उनने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इनके ये सब जो साधन सिद्ध है ये एक साधन सिद्ध। दूसरे नंबर में कहते बृहदारण्य उपनिषद में आती है, हमारे पुराण में आती है। एक समय वेद का जो मंत्रों ने वो लोग भी कठोर साधने की तो अभी भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए, क्या मांगो, बोले हम चाहते हैं आपकी गोपी भाव से आपकी सेवा में, बोलिए तो बड़ा दुर्लभ वस्तु है।
ये नहीं दे सकते और कोई चीज प्रार्थना कर बोले नहीं हमें केवल यही चीज ही चाहिए और कोई चीज हमें चाहिए नहीं तुम लोग सबके सब ब्रज में गोपी रूप में आए क्योंकि तीसरे हैं जो साधन सिद्ध है जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे जनकपुरी में पहुंचे तो इतने में श्री राम और लक्ष्मण गुरु जी वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी से प्रार्थना किया हमें थोड़ा आशीर्वाद दो हम थोड़ा जनकपुरी दर्शन करना चाहते हैं दर्शन नहीं दर्शन दे करके आओ दर्शन दे करके आओ जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं भगवान की इतने सुंदर रूप था जो एक बार देख लिया वो तो एकदम बाबरी बन गई और हल्ला कर देते हैं क्या सुंदर दो बालक जनकपुरी में आए एक श्याम रंग की एक गौर रंग की दोनों धनुष धारण किए हुए एक नीलांबर एक पीतांबर पहने हुए क्या दो जोड़ी कितने सुंदर हैं पूरा हल्ला कर देते हैं जनकपुरी में और जितने सब किशोरिया की सीता जी की सहेली किशोरिया उस सबके सब कोई छपर से कोई झरका से सबके सब दर्शन कर रहे दर्शन करते हुए भगवान को भगवान को प्रार्थना कर रही थी मन मन में क्या पति बनेंगे क्या इनको हम पति रूप में प्राप्त कर सकते हैं भगवान सर्वंतर सब जानते हैं देखो इसी अवतार में तो एक सीता के सिवाय और किसी को मैं धारण कर ही नहीं सकता तुम लोग सबके सब द्वापर युग में गोपी बन कर सबके सब गोपी बन कर सब गोपी हो गए कहते हैं जितने सीताएं थी श्री आती है ना एक धोबिनी गई थी अपना पीहर आते समय एक नदी पार करना पड़ता था अभी रिमझिम बारिश हो गई थी शाम हो गई थी केवट ने उसको पार कराना मना कर दिया उसको मजबूरी में एक रात को केवट घर में बिताना पड़ा जब सवेरे आई पति ने पूछा पिछली रात तुमने कहाँ रुकी बोले ऐसे ऐसे बोले जिसके घर में तुमने बिताई वहीं पर बिता मैं राम नहीं हूँ मैं राम नहीं हूँ सीता एक साल तक रही कहाँ पर रावण को वहाँ और उन्होंने आते ही बराबर सिंहासन में उन पर स्थान मैं राम असली सीता को रावण को उन्होंने लिया है वो तो नकली सीता थी नकली सीता उनको तो पता ही अग्नि जब परीक्षा किए उसी समय में असली सीता तो आ गए और नकली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई ये रहस्य किसको पता ही नहीं इसलिए उनको सब बात बताई इसलिए भगवान राम ने सीता को उन्होंने चिरकाल के लिए त्याग दी हर साल एक एक को यज्ञ करते थे वशिष्ठ जी ने कहा बगैर पत्नी के तुम यज्ञ कर ही नहीं सकते हो तेरे पिता भी तो तीन तीन शादी की थी तो और एक शादी कर ले राम ने कहा सीता के बगैर मैं और किसको ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि सीता पवित्र है सीता पवित्र है इसलिए बोले और कोई उपाय निकालो बोले क्षत्रियों के लिए एक नियम है सोने की सीता बना करके आप अपना बाम पर्स में रख करके आप यज्ञ कर सकते हो बोले ये तो कर सकता हूँ इसलिए उन्होंने 11,000 साल तक यज्ञ किया हर साल एक यज्ञ किया सुमित यज्ञ और हर यज्ञ में एक नई नई सीता बनती थी वशिष्ठ उनके शरीर में प्राण संचार करते थे इतने सीता सब गई था सबके सब द्वापर युग में सबके सब गोपी बन गया भगवान ने सबको उन्होंने स्वीकार किया है मतलब कृष्ण ऐसे एक देवता है उन्होंने किसी को छोड़े सबको स्वीकार किया किसी को उन्होंने कुबड़ी आ गई सुपर्णा आ गई है कदम पुतना आ गई भगवान किसी को नहीं छोड़े सबके सब द्वापर युग में सब कुब्जा बन करके आ गई कोई आ गई पुतना बन करके आ गई सबके सब भगवान सबको स्वीकार किया इसलिए ये रासों में जितनी सब गोपियां थी जो शरद शरद पूर्णिमा में जो रास किए हैं उसमें ये सारी तो सारी स्तुति चली दंडकारण्य ऋषि जनक ये
सीता इस सबके सब उसमें सम्मिलित थी, सबके सब उसमें सम्मिलित थी। इसलिए जब कृष्ण ने बंसुरी बजाए और सब गोपियां उनने सब कुछ छोड़ करके आए, यहाँ पर कृष्ण कहते स्वागतम महाभागा किम्बाम करवान्ते, वहाँ पर कहते हैं कृष्ण चार ही तरह का वाक्य एक साथ में प्रयोग किया, एक साथ में चार ही तरह का वाक्य प्रयोग कर रहे थे। एक तो उनका अनुकूल में अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल भाव से, तीसरा अनुकूल और प्रतिकूल, और जो चौथा है जो कृष्ण बोलना चाहते हैं। विश्वनाथ चतुर्थ कहते जीव गोस्वामी एक साथ में कृष्ण एक श्लोक में चार तरह का बात को उन्होंने प्रयोग कर रहे थे। वन श्लोक फोर में चार तरह का, एक ही बात में चार तरह का बात उसमें प्रकट हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप में प्रमाण होता है जब गोपियों ने आए तब भगवान कहते गोपियां मैं तुमको स्वागत, तुम लोग जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवती हो। बोले क्यों? बोले सारी बाधाओं को तोड़ कर जब आ रही थी, कोई बाधा दे रही थी, लेकिन सारे बाधाओं को तोड़ करके तुम लोग ने मेरे पास में आए हो, इसलिए हम तुमको स्वागत करते हैं। इसका एक अर्थ जो उनकी अनुकूल रूप में एक अर्थ होता है, तब यहाँ पर दूसरा अर्थ होता है किम्बाम करवाणी में कहते ब्रजस्य अकुशलम आगमन कारण, वहाँ पर कह रहे हैं कहते हैं दूसरे अर्थ होता है तुम लोग क्यों आए हो, क्यों आए हो, लगता है ब्रज में कोई अमंगल हुई है, क्योंकि ब्रज में तभी लोग मेरे पास में आए जब ब्रज में कोई पुतना आ गया, अघासुर आ गया, कभी बकासुर, कभी काली, कभी इंद्र ने उपद्रव किया है, उसी समय में तुम लोग ने मेरे पास में शरण में आए, इसलिए कृष्ण कहते क्या ब्रज में अमंगल हुई है, इसलिए तुम लोग आए हो, इसलिए ये दूसरा अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ हो गया। फिर कृष्ण कहते हैं एक साथ में दो दो अर्थ निकलता है, एक तो अनुकूल और एक प्रतिकूल, एक साथ में दो दो अर्थ किसी कहते। वहां पर उन्होंने विश्वनाथ पर बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताई जो एक साथ में चार अर्थ उसमें प्रकट हो रहा था, एक एक भाव में चार चार अर्थ प्रकट हो रहा था। एक रूप में कह रहे थे देखो ये घोर अंधकार है, ये घोर अंधकार, घोर अंधकार में तुम लोग पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है पति भले लंगड़े लुगड़े लुंगड़े और निकम्मा है बीमारी कुछ क्यों नहीं हो, पतिव्रता नारी का कर्तव्य है अपना पति की सेवा करे, कुछ भी क्यों नहीं हो अपना पति की सेवा करनी चाहिए। इसलिए ये एक अर्थ प्रकाश होता पति की सेवा करने के लिए, दूसरा अर्थ उसमें प्रकाशित हो रहा था, दूसरा अर्थ उसमें प्रकट अघोर रूपा, एक तो दूसरा अर्थ है ये अंधकार रात है, रात 12 बजे तुम लोग यहाँ पर आए हो, आना तुम लोगों का ठीक नहीं, पतिव्रता नारी पति की सेवा करनी चाहिए वापस। दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा था बोले अघोर रूपा, एक तो घोर रूपा अंधकार, एक होता है अघोर रूपा, अघोर मतलब इतने सुंदर वृंदावन धाम, देखो इसमें जूही बेली चमेली केतकी मालती कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर जमुना कर्कल नाद से बह रही है, जहाँ पर चंद्रमा की किरण कितने सुंदर छिटक रही है, और देखो एकदम अपूर्व वृंदावन धाम है, अपूर्व वृंदावन धाम है, इसलिए घोर रूपा नहीं अघर रूपा है, इसलिए बच जाया करो। एक अर्थ होता है घर में वापस चले जाओ, दूसरा अर्थ होता है नहीं इतने सुंदर रात में घर में वापस जाते आओ, है आओ तुम लोगों को साथ में मैं रास करूंगा।